दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपका चैनल राहुल टेस्ट में। तो दोस्तों आज इस नए वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारे इसका पिछला क्लास जो लाइव क्लास चलता था लाइव क्लास में थोड़ा सा लाइट न रहने की वजह से कल प्रॉब्लम आ गई थी, तो आज उसका वीडियो हमने अपलोड कर दे रहे हैं। इसको अच्छे से पढ़िए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आते हैं, ये दो क्वेश्चन है। लेकिन सबसे पहले हम देख रहे हैं, इसे दो क्वेश्चन दिए गए, एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब ज्ञात करें और दूसरा जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि एफ बराबर आर बाई टू या फिर आर बराबर टू एफ या आर और एफ में संबंध या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध। ये क्वेश्चन चार तरीके से हमेशा घुमाकर पूछते रहता और ये जो क्वेश्चन है हमेशा 5 नंबर का पूछते हैं एग्जाम, अब चाहे किसी भी बोर्ड से हो, तो इसको पढ़ेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तब तक एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब भाग लेते हैं। तो देखिए उत्तल दर्पण में दो स्थिति होता है, पहला स्थिति ये होता है कि जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा। तो सबसे पहले हम उत्तल दर्पण बना रहे हैं, तो उत्तल दर्पण कुछ इस प्रकार का होता है। हमने एक उत्तल दर्पण बना लिया, उत्तल दर्पण बना लिया, यहां पर क्या होता है P होता है और इधर क्या होता है, इधर यहां पर F होता है और यहां पर क्या होता है आपका C होता है। यानी कि ये हमारा उत्तल दर्पण हुआ, यहां पर इसका ध्रुव हुआ, ये मुख्य फोकस और ये वक्रता केंद्र और इधर क्या होता है अनंत होता है। तो हम लिया क्या है, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो, हमने इधर से कोई प्रकाशीय किरण भेजा और दर्पण से दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ने के बाद वो किरण परावर्तित हो गई यानी कि इधर मुड़ गई। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इधर मुड़ गई तो इसका प्रतिबिंब कहीं ना कहीं तो बनेगा ही, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो कोई भी किरण आती है तो हमेशा मुख्य फोकस से गुजरती है या फोकस से, यानी किरण कहाँ से गुजरी, ईवी किरण यहाँ से गुजर रही है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, तो देख रहे हैं कि ये हमारा दर्पण हुआ, इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, दर्पण के पीछे। तो लिखेंगे हम, जब वस्तु अनंत पर हो तब वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कैसा बनेगा। तो उत्तल दर्पण हमेशा आभासी बनता है या इसको काल्पनिक बोलते हैं, पीछे आभासी और उत्तल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। क्योंकि देखिए आभासी मतलब क्या चीज, इसको हम देख नहीं सकते हैं तो बोल सकते हैं सीधा बनता है, तो आभासी सीधा और वस्तु से बहुत छोटा, और वस्तु से बहुत छोटा हम बोल सकते हैं बिंदु के आकार का। ठीक है, ये फर्स्ट स्थिति हो गया। इसमें दूसरा स्थिति क्या होता है, तो दूसरा स्थिति होता है कि जो वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच हो, इधर अनंत हो गया, यहाँ पर क्या है ध्रुव है, पोल है, तो ध्रुव और अनंत के बीच जो वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये सेकेंड स्थिति केस होता है। तो किस में पढ़ा होता है, हालांकि अवतल दर्पण हमने पढ़ा है पूरे 6 केस पढ़ा है, इसमें सेकेंड केस पढ़ेंगे जब वस्तु अनंत और पी के बीच हो, तो इसके कैसे बने पड़ेंगे, जब वस्तु अनंत और पी के बीच हो। सबसे पहले हमने क्या काम किया, उत्तल दर्पण बना लिया, यहाँ पर एक उत्तल दर्पण बन गया, देख रहे हैं इसका ये ध्रुव हुआ पी, ये ध्रुव हुआ, इधर यहाँ पर आपका मुख्य फोकस और यहाँ पर आपका क्या हुआ वक्रता के, हमने क्या हाथ से भेजे, हमको वस्तु कहाँ से भेजना है अनंत और पी के बीच, यानी कि इधर अनंत है और यहाँ पर क्या है पी है,
तो यहीं किसी कहीं से वस्तु खड़ा करके क्या कर दे रहे हैं, भेज दे रहे हैं। तो हमने ये भेज रहा है तो भेजा तो भी दर्पण से परावर्तन के बाद क्या वापस लौट गई, क्योंकि जब भी परावर्तक सतह से पड़ेगी तो उधर की परावर्तन में क्या होता है कि जिधर से आएगी उधर ही क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। यानी कि कोई वस्तु अगर ये हमारा दर्पण हुआ, अगर इधर से आ रही तो यही इसी माध्यम में क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। यानी कि इधर से कोई वस्तु तो इसी माध्यम में लौट जाएगी, यानी कि आगे की ओर बढ़ेगी। ठीक है, आगे की ओर बढ़ती है तो बढ़ती है अपवर्तन में बढ़ती है, ये परिवर्तन में नहीं है, परिवर्तन पर है। देख लीजिए, तो कोई भी वस्तु परिवर्तित बाद कहाँ से गुजरती है, तो मुख्य फोकस से गुजरती है, गुजर गई। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो देखिए इसको इस बिंदु को हमने मिलाया तो कुछ इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है। ये एक रेखा जो ये एक किरण जो इसका प्रतिबिंब कहाँ से गुजर रहा है, तो एफ से गुजर रहा है, और इसको हमने मिलाया तो बन रहा है कि पी और एफ के बीच कोई रेखा है। इसका प्रतिबिंब कहाँ कट रहा है, पी और एफ के बीच। तो बोल सकते हैं कि जब वस्तु अनंत और पी के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे पी और एफ के बीच बनता है। कहाँ, पी और एफ के बीच, दर्पण के पीछे बन रहा है पी और एफ के बीच। बोल सकते हैं तब वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कैसे बनेगा भाई, तो बनेगा आभासी सीधा और वस्तु से बहुत छोटा। वस्तु से छोटा क्यों बोलते हैं, वस्तु से बहुत नहीं, बहुत मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगा छोटा। ठीक है, दर्पण के इसको जब तब वस्तु दर्पण के पीछे पी और एफ के बीच, यहाँ पर छूट गया है पी और एफ के बीच, देख लीजिए। जब वस्तु अनंत और पी के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो दर्पण के पीछे पी और एफ के बीच कैसा बनेगा, तो सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ रहे हैं 5 नंबर का जो आएगा क्वेश्चन, एकदम निश्चित है आएगा ही आएगा। चलिए हम आगे सेकंड क्वेश्चन पर, सेकंड क्वेश्चन करें कि औतल दर्पण में सिद्ध करें ये 4 स्थिति है, ये चारों एक ही होता है, एक बराबर आर बाई टू या फिर आर बराबर टू एफ या एफ और आर में संबंध या मुख्य फोकस वक्रता के अंदर वक्रता त्रिज्या में संबंध, ये क्या होता है। तो सबसे पहले चलिए हमें एक औतल दर्पण लेते हैं, इसको ही समझिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमने क्या किया, एक औतल दर्पण लिया, ये आपका एक औतल दर्पण हुआ, इसको हमने पेंट कर दिया, कलर कर दिया एक साइड। अगर आप औतल दर्पण के नए बारे में पढ़े हैं तो जाकर और परिवर्तन के नियम पढ़ सकते हैं, इसका सब वीडियो अपलोड कर दिया गया है प्रकाश के परिवर्तन का, ये लास्ट ही चल रहा है, इसके बाद में न्यूमेरिकल ही चलेगा। और कल के क्लास का आपको चलिए देखिए, ये हमने एक औतल दर्पण हुआ जिसको हमने एमएन नाम दे दिया कि एमएन क्या है, एक औतल दर्पण है। औतल दर्पण क्या होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, ध्रुव होता है और इधर यहाँ पर आपका मुख्य फोकस होता है, यहाँ पर आपका क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। देख लेते हैं भली बात, हमने इधर से कोई एक किरण भेजा जो कि दर्पण से परावर्तन के बाद सीधे कहाँ से गुजरेगी, तो सीधे कहाँ से गुजरेगी, तो एफ से। कहाँ से गुजरेगी, तो सीधे एफ से, यानी कि कोई भी किरण हो वो गुजरती है तो कहाँ से गुजरती है, परावर्तन के बाद जब भी युक्त हमेशा एफ से गुजरेगी, हमेशा एफ से गुजरेगी। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर एक चीज और देखेंगे हम, ये बिंदु और ये बिंदु, ऐसे इस किरण का हम नाम दे दिया, इस किरण का हमने नाम दे दिया ए बी, इस किरण का हमने नाम क्या दे दिया, ए बी नाम दे दिया, ए
एक किरण को आपने भेजा यहाँ पर, और ये दर्पण से परावर्तन के बाद क्या हुआ, मुख्य फुकस से चली गई, गुजर गई। अब देखिए हमने यहाँ पर बी को सी से मिला दिया, हम मिला है, तो देख रहे हैं कि हमारा कुछ यहां पर इस प्रकार का, देखिए कुछ इस प्रकार का, कुछ इस प्रकार का एक फिगर बन रहा है और फिगर ऐसे बन रहा है। तो ये आप फिगर कहां पढ़े हैं, यह पर फिगर पढ़े हैं प्रकाश के परिवर्तन में। प्रकाश के परिवर्तन में क्या होता है कि ये एक आपतित किरण है जो कि दर्पण पर आ रही है, और आने के बाद क्या हो रही है, परिवर्तित हो जा रही है। तो आने के बाद परिवर्तित हो जाती है तो ये जिस बिंदु पर पड़ती है उस बिंदु का नाम होता है मूल बिंदु बोलते हैं, और इस बिंदु से एक लंब खींचा जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, लंब। तो हम भी यहाँ पर क्या करेंगे कि हमने एक लंब खींच दिया, जब लंब खींचते हैं तो यहाँ पर दो कोण उत्पन्न होता है, एक कोण होता है आपतन कोण और दूसरा कोण क्या होता है, परिवर्तन कोण, जो कि आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा, दो कोण होगा, एक यहाँ पर होगा आई कोण और यहाँ पर कौन कोण होगा, यहाँ पर होगा आर कोण, दिख रहा है। तो बोल सकते हैं कि आपतन कोण बराबर क्या होता है, परिवर्तन कोण। चलिए इसके बाद हम देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। इतना करने के बाद इसमें देख रहे हैं कि हमें दिया गया एक तरह से ये आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या है, बराबर है। और आप देख लीजिए एक बात कि ये कोई समांतर रेखा है, इसको कोई रेखा काट रही है, तो जितना इसका ये कोण रहेगा, कौन कोण, ये वाला कोण, ये कोण, जितना ये कोण रहेगा उतना ये कौन कौन रहता है, ये कोण रहता है, जितना इसका ये कोण रहता है उतना ये इसका ये कोण, यानी कि ये दोनों कोण बराबर होते हैं किस कोण से, तो दोनों होते हैं एकांतर कोण से बराबर होते हैं, किस कोण से, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से ये दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये कोण बराबर ये कोण, ये यानी जितना ये उतना ये भी कितना है, ये भी है। अगर ये 30 डिग्री तो भी कितना होगा, 30 डिग्री। अगर ये 45 तो भी कितना होगा, 45। कौन कौन से, तो ये कौन से कौन कौन से होगा भाई, ये आपका होगा एकांतर कौन से। अब इसको हम सिद्ध कैसे करते हैं, सिद्ध करने से पहले थोड़ा इसमें लिख लेते हैं, लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या लिखते हैं, तो पहले लिखेंगे इसका हम लैंग्वेज लिखते हैं। तो लैंग्वेज लिखेंगे माना कि, माना MN एक अवतल दर्पण, MN क्या है, अवतल दर्पण है, MN एक अवतल दर्पण है जिसमें P क्या है, ध्रुव, F क्या है, मुख्य फोकस, C क्या है, वक्रता केंद्र, जिसमें P ध्रुव कोमा F मुख्य फोकस, सी वक्रता केंद्र, हो गया, वक्रता केंद्र है। अब देख रहे हैं इस फिगर को, दिख रहा कि एबी एक क्या है, आपतित किरण है जो कि परावर्तन के बाद कहां से गुजर रही है, एफ से। तो लिखेंगे एबी एक आपतित किरण है, एक आपतित किरण है जो परावर्तन के बाद, जो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है, मुख्य फोकस से गुजरती है, और जो एबी आपतित किरण है ये सीपी क्या है, समानांतर है। देख रहा हो आपको कि जो एपी है, एबी है, ये सीपी क्या है, समानांतर है। तो बोल सकते हैं कि जो गुजरती है ये किरण, ये किरण कौन किरण है, एबी किरण है, ये किरण सीपी के समानांतर भी है,
और समांतर जब है तो हमने बी को कहाँ से मिला है, सी से। तो एक बार और लिख देंगे, बिंदु बी को सी से मिलाया, जो जो इसमें लिख देंगे। अगर आपको और कुछ लिख रहा है और लिख सकते हैं, मिलाया जो कि अभिलंब का काम करता है, बस हम लिख दिए। अगर और उस इसमें दिख रहा है तो आप लिख सकते हैं। चलिए इसको सिद्ध करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे, तो हमने अब चलिए इस आपको फिगर दिख रहा है, अच्छा तरीके से दिख रहा है, इसमें क्या क्या दिया गया देख रहे हैं यहाँ पर हम फिगर में, कि ये कोण और ये कोण बराबर है। तो देखिए सबसे अगर आप कहीं त्रिभुज में पढ़ रहे हैं, एक तरह से जब आपको कोण दे दिया गया, ये एक तरह से त्रिभुज हो गया, ये इसका नाम हो गया PQR और इसमें R जो है दिया गया है 60 डिग्री, तो आप कैसे लिखेंगे, तो लिख देंगे आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे आप कोण PQR बराबर 60 डिग्री, ये लिखेंगे तब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि इसको हम लिखेंगे कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे कोण PRQ बराबर 60 डिग्री, या कोण QRP बराबर 60 डिग्री। इसका ये दो तरीके से सही होगा, क्योंकि हमेशा हम जिस कोण पर मान दिया रहता है उसको हम बीच में लिखते हैं, हमेशा कहा लिखते हैं बीच में। तो यहाँ पर भी कुछ वही स्थिति है, यहाँ पर भी वही स्थिति है कि यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे, बीच वाला कोण कौन है बराबर, तो कोण B बराबर है, तो लिखेंगे कोण ABC बराबर कोण CBF। कौन लिखेंगे कौन कौन कोण बराबर है, तो कोण ABC बराबर है और कोण CBF बराबर है। यहाँ पर लिखेंगे कोण ABC बराबर कोण CBF, कैसे बराबर है, ये क्यों कोण बराबर हुआ, तो परावर्तन के नियम से। तो आप लिखेंगे परावर्तन के, इसको समीकरण वन मान ले रहे हैं, लिख देंगे परावर्तन के नियम से ये दोनों कोण क्या है, बराबर है। अब उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पर देख लीजिएगा कि ये कोण और ये कोण हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। तो जब हमने कोण बराबर कर दिया, कौन कोण बराबर कर दिया, तो कोण ABC यहाँ पर हमने एक कोण देख रहे हैं, यहाँ पर ये I, यहाँ पर भी क्या होगा, I ही होगा, जब ये I तभी कितना होगा, I ही होगा। कौन कोण से बराबर किया, तो ये बराबर आपका एकांतर कोण से बराबर होगा, तो कोण ABC बराबर कोण BCF, क्योंकि कोण वाला हमेशा क्या होता है, बीच में होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर हम कोण ABC बराबर कोण BCF, इसको हमने समीकरण दो मान लें, किस कोण से बराबर होगा, तो ये बराबर होगा एकांतर कोण से। अब समीकरण वन तथा समीकरण दो से कर देंगे, यहाँ पर समीकरण वन तथा दो से, समीकरण वन तथा दो से अगर जिस समीकरण का अगर एक साइड बराबर हो तो दूसरा साइड अपने आप बराबर रहता है, यानी कि जिस साइड का अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो तो उसका राइट हैंड साइड अपने आप बराबर हो जाएगा, और जिसका राइट हैंड साइड बराबर तो उसका लेफ्ट हैंड साइड अपने आप बराबर हो जाएगा। यानी कि हम कोण ABC दोनों एक जैसा है, यानी कि दोनों बराबर रहते हैं, फिर दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि बोल सकते हैं कोण CBF बराबर कोण BCF। अब देख लीजिए ये दोनों कोण बराबर हो गया, तो जब दोनों कोण बराबर हो गया तो यहाँ पर एक प्रकार का हमें एक यहाँ पर त्रिभुज दिख गया, हमें यहाँ पर त्रिभुज दिख गया जिसका दो कोण क्या है बराबर है। तो जिस त्रिभुज का दो कोण बराबर होता है तो उसकी दो भुजाएं भी क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि देख रहे हैं कि यहाँ पर दो कोण बराबर है, ये भी आई है, ये भी क्या है, आई है, तो इसकी दो भुजा भी क्या होगी, बराबर होगी, और तीसरी भुजा क्या होगी, बराबर नहीं होगी। तो हम बोल सकते हैं कि जिस त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो उसका दो
भुजा भी क्या होती है, बराबर होती है। इसको ज्यामिति में अच्छी तरीके से हमें पढ़ना है। तो इसमें कौन कौन भुजा बराबर होगा, तो देख लीजिए, ये तो एक एक तरीके से ये भुजा बराबर होगा, और कौन भुजा, ये भुजा, यानी कि सी एफ और क्या है बी एफ। यहां से हम बोल सकते हैं त्रिभुज बी सी एफ में, त्रिभुज बी सी एफ में कौन कौन भाई, सी एफ बराबर बी एफ, सी एफ बराबर बी एफ। इसको मैं समीकरण कौन मान लिया, इसको समीकरण थ्री मान लिया, कितना मान लिया थ्री, इसको हमने समीकरण थ्री मान लिया, सी एफ बराबर बी एफ। क्यों, क्योंकि जब हमने त्रिभुज बी सी एफ लिया है तो इसमें दो कोण बराबर है, तो इसके दो भुजा भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अब चलिए इसमें चलते हैं आगे, यहां पर ये जो बिंदु है P और ये B है, ये F के दोनों बहुत ही करीब तरह से, यहां पर आपका क्या हुआ F हुआ, ये जो बिंदु B है P के बहुत करीब है, यह मैं दिखाने के लिए इतना दूर रखे हैं। लेकिन अगर इसे हम प्रैक्टिकल जब करेंगे, प्रैक्टिकल तो किस दर्पण में हम ये जो B होता है ये P के बहुत करीब होता है, यानी कि लगभग लगभग अगर हमारा P यहाँ पर है तो इसका B कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो लगभग जितना ये P और F के बीच की दूरी है उतना ही B और F के बीच की भी दूरी रहेगी, यानी कि बोल सकते हैं हम कि क्या बोलेंगे, जितना हमारा P और F के बीच की दूरी उतना ही B और F के बीच की दूरी है। तो एक यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे बिंदु B P के बहुत करीब है, बहुत करीब है या निकट है। जब बराबर, देखिए जब करीब होगा तो देख रहे हैं आप, देखिएगा जितना ये दूरी रहेगा उतना ही भी दूरी है, जितना ये उतना ही भी है, लगभग दोनों बराबर में से रहेगा, यानी कि बोल सकते हैं PF बराबर BF, PF बराबर BF, यानी कि दोनों के बीच की दूरी में से क्या रहेगा बराबर, जितना ये है उतना ही भी कौन है EV है, उतना ही कौन है EV। तो हमको बस ये दिखाने में इतना बहुत दिख रहा है, लेकिन जब अगर प्रैक्टिकल जब करते हैं हम तो ये दोनों का होता है आपस में बराबर होता है। तो देख लीजिए यहाँ पर, तो बोल सकते क्या चीज, पी एफ बराबर बी एफ, इसको मैं समीकरण कितना मान लिया चार मान लिया, कितना मान लिया चार। अब चलिए पढ़ते हैं आगे, चलिए अब समीकरण तीन और चार से चलते हैं। तो समीकरण तीन और चार में देख रहे हैं हम, तो इसका राइट हैंड साइड बराबर, दोनों में बी एफ ई एफ है, तो ई भी दोनों पास में क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि हमने बताया पिछले बार कि जब अगर किसी समीकरण का अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो दोनों, तो उसका राइट हैंड साइड बराबर होता है, अगर दोनों का अगर राइट हैंड साइड बराबर हो तो उसका लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, अपने आप बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर देख रहे थे, यहाँ पर ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड बराबर, तो राइट हैंड बराबर हो गया। यहाँ पर हमारा देख रहे हैं कि दोनों राइट हैंड बराबर होता है, क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, बराबर हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। तो बोल सकते हैं समीकरण तीन तथा चार से, तीन से चार में देख रहे हैं हम, तो तीन तथा चार से देखेंगे इसमें हम, तो तीन तथा चार से, तो तीन में क्या हमारा सी एफ बराबर पी एफ, सी एफ बराबर क्या हो जाएगा आपका पी एफ हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए इसको हमें मान लेते हैं समीकरण पांच मान लीजिए, या फिर छोड़ भी देंगे, कोई दिक्कत हमें नहीं है। अब चलिए इसमें आते हैं, इसमें देख रहे हैं हम सी और पी, सी और पी देखेंगे हम इसमें, सी पी बराबर, सी पी बराबर देख रहे हैं, तो सी पी बराबर क्या क्या हो सकता है, सी एफ प्लस पी एफ, सी एफ प्लस पी एफ, सी पी को हम लिख सकते हैं सी एफ प्लस पी एफ, तो सी एफ प्लस पी एफ, सी पी को हम क्या बोलते हैं, यहां से यहां के बीच की दूरी को बोलते हैं
वक्रता त्रिज्या इसको हम आर से सूचित करते हैं, इन बोल सकते हैं इसको आर। चलिए पहले एक स्टेप और चलते हैं, पहले सीबी जो हम कहते हैं छोड़ रहे हैं, सीबी बराबर जो का तीन, यहां पर सीएफ है सीएफ को क्या लिखे हैं, सीएफ को क्या बोल सकते हैं, सीएफ बराबर पीएफ होता है, यानी कि सीएफ का स्थान पर हम पीएफ लिख सकते हैं, यानी कि पीएफ प्लस पीएफ। सीपी को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, सीएफ सीपी को हम आर बोलते हैं, यानी कि आर बराबर एक पीएफ मतलब कितना हो जाएगा टू पीएफ, एक पीएफ एक पीएफ कितना हो जाएगा टू पीएफ, और आर बराबर टू। और पीएफ को हम क्या बोलते हैं, पीएफ को यानी कि पी और एफ के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, छोटा एफ बोलते हैं, यानी कि आर बराबर पीएफ के स्थान पर कितना हो जाएगा टू एफ। देख लीजिए हमारा यहाँ सिद्ध करना था आर बराबर टू एफ, आ गया हमारा, या फिर एफ बराबर कितना हो जाएगा आर बाई टू हो जाएगा, अगर इधर दो आएगा तो दोनों हो जाएगा। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, या फिर यही लिख सकते हैं कि यह वक्रता त्रिज्या और क्या भी संबंध है फोकस दूरी में, बस इतना ही हमें आसानी रूप से क्या करना था, सिद्ध करना था। इतना कर दीजिएगा आपका पांच नंबर फिक्स है। तो चलिए।